हाय गाइस, मोमिस्तान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नाजिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्वीट ट्रीट जो कि है लड्डू रेसिपी। लेकिन ये कोई साधारण लड्डू नहीं है, ये लड्डू हेल्थ और न्यूट्रिशन से भरपूर है कि बहुत सारे अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बट सबसे पहले अपनी रेसिपी हम देखेंगे। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मोमिस्तान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री कॉस्ट है। और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि हमारे वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सके। तो हमारे हेल्दी लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन को हीट अप करेंगे। हमने कढ़ाई को यहाँ पर गर्म कर लिया है और उसमें हम डालेंगे 1/4 कप आलमंड्स यानी कि बादाम, और उसे अच्छी तरीके से हमें धीमी आंच पे भूनना है लगभग 5 से 7 मिनट तक, जब तक कि ये अच्छे से सोंधापन इसमें ना आ जाए, भुन ना जाए। जब ये भुन जाएगा तो ये क्रैकल भी होने लगेगा और इसकी जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे जो इसका न्यूट्रिशन भी बढ़ा देंगे और इसके अलावा हमें लड्डू को बाइंड करने में भी मदद करेंगे और हमें एडिशनल ऑयल वगैरह इसमें ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5-6 मिनट हो चुके हैं, हमारे आलमंड्स भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून मेलन सीड्स यानी कि मगज़। इसके अलावा हम इसमें डाल रहे हैं 1.5 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि सूखे नारियल का बुरादा। जो मेलन सीड्स हम अक्सर ठंडाई वगैरह में डालते हैं गर्मी के मौसम में शरबत बनाने के लिए, और या फिर स्वीट डिशेस में आपको दिखते हैं, हमें वही वाले मगज हमने इस्तेमाल किए हैं। इसे भी हमने भूनना है लेकिन ज़्यादा नहीं, लगभग 2 मिनट तक हमें इसमें भूनना है ताकि इसमें हल्का सा सोंधापन आ जाए। जब सभी इंग्रेडिएंट्स भुन जाएंगे तब हम इन्हें निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। अब हम सेम पैन को गरम करेंगे और इसमें डालेंगे पीनट्स यानी कि कच्ची मूंगफली, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। हमने इसमें इस्तेमाल की है लगभग 1 कप पीनट्स प्लस 1/4 कप एडिशनल पीनट्स यानी कि 1 कप भर के प्लस 1/4 कप आपको और लेना है। इसे भी हमें धीमी आंच पे भुनना है लगभग 5 से 7 मिनट तक, या जब तक कि ये क्रैकल ना होने लगे, अच्छे तरीके से भुन के इसमें सोंधापन ना आ जाए। इसके भी नेचुरल ऑयल्स इसमें भुनने से बाहर आ जाएंगे। हमारे पीनट्स अच्छे से भुन चुके हैं, ये देखिए। अब हम पीनट्स को ऑफ कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने के बाद हम इसके छिलके उतारेंगे। हमने लिया है एक कॉटन का कपड़ा, आप चाहे तो किचन टॉवल भी ले सकते हैं। इसमें हम अपने रोस्टेड पीनट्स डालेंगे और इसके हम छिलका उतारने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले तो हम इसका एक पाउच, एक पोटली जैसा बांधेंगे। और उसके बाद हमें इसे इस तरीके से पटकना है और हाथ से अपने पाम से इस तरीके से रब करना है। इस प्रोसेस को हम कई बार रिपीट करेंगे, इससे हमारे छिलके आसानी से निकल जाएंगे। हमारे छिलके देखिए निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी छिलके निकल गए हैं। अब हम इसे छानेंगे, जिसके लिए हमने एक बड़ी छेद वाली चलनी, बेसिकली सब्जियां वगैरह धोने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ली है। हम इसमें पीनट्स अपने डालेंगे और उसे इस तरीके से हम सीव करेंगे यानी कि छानेंगे। कुछ कुछ पीनट जिसमें छिलका हमें लग रहा है अभी भी है, उसे हाथ से इस तरीके से रब करके हम निकाल लेंगे। बाकी 100% नहीं भी निकले तो चलेगा, वो हमारा ग्राइंड हो जाएगा एंड उससे कोई परेशानी नहीं है। हमारे छिलके निकल चुके हैं, ये देखिए।
अब हम इन मटेरियल को ग्राइंड करेंगे, जिसके लिए हमने ड्राई ग्राइंडिंग जार लिया है, बेसिकली बड़ा वाला मिक्सर ग्राइंडर जार जिसमें हमने जो ब्लेड लगाया हुआ है वो है ड्राई ग्राइंडिंग वाला। इसमें हम डालेंगे अपने पीनट्स और जो बाकी के हमारे रोस्टेड आलमंड्स वगैरह हैं वो डाल देंगे, और इसे हमें पल्स करना है, यानी कि ऑन ऑफ करके पल्स करके हमें ग्राइंड करना है, तो ये आसानी से पाउडर बन जाएंगे। हमने कई बार 5-7 बार ग्राइंड किया, पल्स किया, तो ये देखिए हमारा पाउडर इस तरीके से बन गया है, और ये देखिए इसका नेचुरल ऑयल बाहर आ गया है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी बाइंडिंग सी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे अपने स्वीट इंग्रेडिएंट्स, जिसके लिए हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून चॉप्ड और डीसीडेड डेट्स, यानी कि खजूर, यानी कि हमने बीज निकाल के काट लिया था उसे, और हम ले रहे हैं चॉप्ड ड्राइड फिग्स यानी कि अंजीर, ये हमने रेजिन्स यानी कि किशमिश। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा नेचुरली मीठा ज़्यादा बनाना है आप थोड़ा और इन इंग्रेडिएंट्स को डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा मिक्सचर इस तरीके से तैयार है। अब हम बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है वो तैयार करेंगे, जिसके लिए हम अपना पैन सबसे पहले गर्म करेंगे और उसमें डाल रहे हैं हम रोल्ड ओट्स लगभग आधा कप। इसे भी हमें धीमी आंच पे भूनना है लगभग 5-7 मिनट तक, जब तक कि अच्छे तरीके से भुन ना जाए। कॉमनली अवेलेबल इंस्टेंट ओट्स होता है उससे थोड़ा अलग होता है रोल्ड ओट्स, ये थोड़ा मोटा होता है, ये इस तरीके का होता है दिखने, ये कुक होने में भी थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, बेसिकली इसमें फाइबर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंस्टेंट ओट्स, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। जब ये रोस्ट हो जाएंगे तब हम इनको एक प्लेट में निकाल के हल्का ठंडा होने तक रखेंगे। अब हम सेम पैन में डालेंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी और उसमें 2-3 इलायची डालेंगे। आप चाहे तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं इसकी जगह बाद में ऊपर से। सिनेमन यानी कि दालचीनी डाल रहे हैं, ये एडिशनल अच्छा एक फ्लेवर डालने के लिए हम ये चीज़ें डाल रहे हैं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे अपना रागी का आटा लगभग आधा कप, जिसे हमने धीमी आंच पे अच्छे तरीके से भूनना है लगभग 5-7 मिनट तक, या जब तक ये अच्छे से भुन ना जाए, सोंधापन ना आ जाए। हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक रागी फ्लोर यूज़ किया है जो आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर सुपरमार्केट वगैरह में भी मिल जाता है, या ऐप वगैरह से भी आजकल आप मंगा सकते हैं घर बैठे। रागी को भूनते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जो भी लम्स हैं उन्हें हम चम्मच से या स्पैटुला की मदद से हम अच्छे तरीके से दबा दबा के रोस्ट करेंगे, और लगातार हमें इसे चलाते रहना है, वरना ये इवनली रोस्ट नहीं होगा, कहीं कच्चा कहीं पक्का रह जाएगा। हमारा रागी का फ्लोर भुन चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के हल्का ठंडा होने पर रख देंगे। अब हम अपने भुने हुए जो इंग्रेडिएंट्स हैं यानी रोल्ड ओट्स और रागी, उसको हम ग्राइंड करेंगे, पाउडर बनाएंगे, जिसके लिए हम सेम ग्राइंडिंग जार जिसमें अपने पिछले इंग्रेडिएंट्स को पीसा था उसी को हम ले रहे हैं, उसी में डाल के हम इसे ग्राइंड करेंगे। हम इसमें मिठास के लिए डाल रहे हैं 1/4 कप चीनी। हमने यहाँ ऑर्गेनिक सल्फर फ्री शुगर का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, आप इसकी जगह गुड़ डाल सकते हैं, या आप रेजिन्स और डेट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं ताकि नेचुरल मिठास और ये हेल्दी बना रहे। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को पीस लेंगे अच्छे से, फिर से हमें पल्स करना है, ऑन ऑफ करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमारा मिक्सचर इस तरीके से पीस गया है। अब हमारा जो पहले का मिक्सचर था और अभी वाला मिक्सचर है उसको हमें आपस में मिक्स करना है, जिसके लिए हम हाफ हाफ दोनों ही मिक्सचर को एक साथ ग्राइंड करेंगे। तो हम आधा निकाल लेते हैं ये हमारा मिक्सचर अभी वाला, और इसमें पहले वाला मिक्सचर डालेंगे और इसे हम पल्स करते हुए मिक्स करेंगे।
कि देखिए हमारा मिक्सचर जो है इस तरीके से मिक्स हो गया है मिक्सर ग्राइंडर में, और इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई, इसके सारे नेचुरल ऑयल्स बाहर आ गए हैं और ये अच्छे से बाइंडिंग कंसिस्टेंसी हो गई है। अब हम बाकी का जो हमारा मटेरियल उसको भी इसी तरीके से मिक्स कर देंगे। जब सारा मटेरियल जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो हम इसको एक बड़ी बाउल में या फिर जिसमें हम आटा सानते हैं उसमें निकाल लेंगे, और हाथों से एक बार फिर से हमें इसे प्रेस करना है ताकि अच्छी तरीके से जो है मिक्सचर आपस में मिल जाए। इसके बाद हम इसका लड्डू बनाना शुरू करेंगे। हमारा मिक्सचर अच्छी तरीके से मिल चुका है। अब हम इसके लड्डू तैयार करेंगे, जिसके लिए हम हाथों में एक मुट्ठी भर इंग्रेडिएंट ले रहे हैं ये मिक्सचर, और इसको इस तरीके से हमें प्रेस करना है। प्रेस करके हम एक बॉल शेप में लड्डू को बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए हमारा लड्डू जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से हम बाकी के लड्डू तैयार करेंगे। इतनी मटेरियल से आप आराम से 26-27 लड्डू तैयार कर सकते हैं। लड्डू हमारे बिल्कुल तैयार हैं। आप इन्हें एयर टाइट सूखे कंटेनर में ऑलमोस्ट एक महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इन्हें आपको रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत नहीं, आप रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं। तो हमारे हेल्दी और टेस्टी लड्डू बिल्कुल तैयार हैं, एंजॉय कीजिए। हमारे लड्डू के हेल्थ बेनिफिट्स आपको बताएंगे कि क्या अमेजिंग जबरदस्त इसके फायदे हैं। लड्डू में हमने इस्तेमाल किए हैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जिनके अपने अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पीनट्स यानी कि मूंगफली में जहां बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, वहीं रागी में, किशमिश में और खजूर में आयरन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। उसी तरह ओट्स की अगर हम बात करें, उसमें फाइबर और बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमें एनर्जी देने में मदद करता है। इसी तरह आलमंड्स में छिपे होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स जो कि हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। इन सभी इंग्रेडिएंट्स में कुछ कॉमन बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। इन सभी इंग्रेडिएंट्स में बहुत हाई फाइबर कंटेंट है जो कि वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसके अलावा स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, और इन सभी इंग्रेडिएंट्स में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे बॉडी में और हमारे ब्लड में फ्री रेडिकल्स को फॉर्म करने में रोकथाम करते हैं और सेल्स को डैमेज होने में रोकथाम करते हैं, जिसकी वजह से एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसी तरह इन इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारे विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, नियासिन, राइबोफ्लेविन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और भी अन्य कई तरीके के विटामिन्स रिच हैं इस लड्डू में, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी हड्डियों के लिए अच्छा है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इन इंग्रेडिएंट्स में मौजूद हैं कुछ ऐसे तत्व जो ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, जो मेमोरी बूस्ट करने में, कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव करने में मददगार हैं। इसलिए खास तौर पे आप बच्चों के एग्जाम्स के दौरान आप इन लड्डू को बनाकर उन्हें दे सकते हैं। उनकी छोटी छोटी भूख भी इससे मिट जाएगी, उनको हाई एनर्जी मिलेगी और उनकी कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव करने में भी इससे मदद मिलेगी। तो ये लड्डू पावर हाउस ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है। ये लड्डू कोई भी व्यक्ति खा सकता है, ये सबके लिए फायदेमंद है। 1 साल से बड़े बच्चे को आप देना शुरू कर सकते हैं ये लड्डू। आप 1 से 2 लड्डू एक दिन में खा सकते हैं आराम से। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।